तो जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपका यूट्यूबर आयु जी और आप देख रहे हैं डॉग्स केयर एंड ब्लॉग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ जो हमारे नए पेट्स ओनर बनने जा रहे हैं। अभी जो 2021 में जो नए पेट्स ओनर बनने जा रहे जो डॉग लवर्स हैं उनके लिए मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज वीडियो लेकर के आया हूँ। ये वीडियो को बहुत देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो अभी नए पेट्स लवर बनने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, वीडियो को समझिए। अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट इसमें लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूँ हर वीडियो में कि इन्फॉर्मेशन हमेशा शेयर होनी ही चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं डॉग्स के बारे में, कि हम अगर नए पेट ओनर बनने जा रहे हैं, नया पेट सभी लेने जा रहे हैं, तो कौन सा ब्रीड ले, कौन सा सबसे टॉप मोस्ट इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट ब्रीड में अभी है, कौन सा ब्रीड सबसे ट्रेंडिंग में है। तो सबसे पहले नाम आता है हमारा लैब्राडोर, फिर सेकेंड हैशटैग में हमारा नाम आता है जर्मन शेफर्ड, फिर तीसरे स्टेज में हमारा नाम आता है गोल्डन रिट्रीवर, उसके बाद चौथे स्टेज में हमारा अभी नाम आता है एग्रेसिव मूड में, बिल्कुल एग्रेसिव चीज़ में जो आता है रॉटविलर, जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में, यूट्यूब में भी आप देख रहे होंगे कि बहुत कोई इस लॉकडाउन में 2020 में भी बहुत ये डॉग्स पाले हैं जो रॉटविलर है। फिर अब का जो फिफ्थ नंबर में आता है वो बीगल है, वो 2018 से बहुत ट्रेंडिंग है इन इंडिया, इंडिया में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में अभी कर रहा है बीगल। जो चलिए इस पांचों ब्रीड के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं, सही से आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि अगर आप नए पेट लवर बन गए हैं और नया पेट लाने वाले हैं अपने घर में, तो कौन सा ब्रीड लें। तो चलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, हो सके कि यह वीडियो आपका दिमाग खोल दे, दिमाग का बत्ती जला दे, या फिर आपको बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल जाएगी कौन सा ब्रीड हम लोग को अभी लाना चाहिए, क्योंकि हम लोग फर्स्ट ओनर हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले हैशटैग में जो आता है इंडिया का सबसे लविस्ट डॉग लैब्राडोर। लैब्राडोर एक बहुत बढ़िया डॉग है, जो कि ब्रीड यहाँ पर नहीं हुआ था, ये मतलब बाहर के कंट्रियों में ये ब्रीड हुआ था, बाहर के डॉग में ये ब्रीड हुआ था। ये दो तरह के जो ब्रीड है उसको क्रॉस करके ये ब्रीड बनाया गया था, कि ये डॉग फ्रेंडली भी रहे, प्लस ये जो पहले के ज़माने में जो हमारे जो फिशर थे, जो फिशिंग करते थे, वो लोग ने इसे लाया था इस डॉग ब्रीड को, कि फिशिंग करने के लिए बहुत बढ़िया रहता है। और सबसे बढ़िया डॉग में सबसे तैराक जो स्विमर होते हैं डॉग के, वो बहुत बढ़िया स्विमर भी ये कहलाए जाते हैं। तो अगर आप लैब्राडोर लेने की सोच रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ इसके प्लस पॉइंट, एक बढ़िया बात और एक ख़राब बात भी इसके बता देता हूँ, कि जैसे कि आप अगर न्यूक्लियर फैमिली में अगर मीडियम साइज़ का आपका होम है, तो बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट चॉइस ये बिल्कुल बढ़िया होगा आपके लिए, नो डाउट। ये बिल्कुल फ्रेंडली है बच्चों के भी साथ भी, फैमिली के भी साथ में, नया ओनर जो उनके साथ बिल्कुल घुल मिल के रहेगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। बिल्कुल आप आग बंद करके इस ब्रीड को आप अपने घर में ला सकते हैं। तो अब चलते थोड़ा सा प्रॉब्लम की ओर, ये तो थोड़ा बेनिफिट हो गया कि अगर आप फर्स्ट डॉग लवर है तो ये ले सकते हैं, और थोड़ा सा इसका माइनस पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लैब्राडोर है उसका हेयर फॉल जो है बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप हेयर फॉल से परेशान नहीं होना चाहते तो मैं इस वीडियो में कुछ बोलूँगा नहीं, सिर्फ लैब्राडोर को आपको ध्यान देना कि वो क्या खा रहा क्या नहीं खा रहा, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, तो इसमें थोड़ा हेयर फॉल का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा अधिक है। तो चलिए हैशटैग सेकेंड में हम लोग स्टार्ट करते हैं हैशटैग जर्मन शेफर्ड। तो जर्मन शेफर्ड एक बहुत पुराना ब्रीड है, ये दो तीन ब्रीड को, दो तीन तरह के एनिमल्स को ब्रीडिंग करके ये ब्रीड लाया गया था, जो कि गार्डिंग डॉग भी बहुत बढ़िया माना जाता है। ये हमारे जो इंडियन आर्मी है वहाँ पर भी यूज़ होता है, ये लैब्राडोर भी हो गए या फिर जो जर्मन शेफर्ड भी हो गए, हमारे इंडियन आर्मी में भी यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। इन लोग की सूंघने की शक्ति जो होती है, प्लस अटैकिंग की जो शक्ति, जो कमांडिंग की कैपेसिटी होती है, वो बहुत बढ़िया होती है मेरे फ्रेंड्स। तो अगर आप फर्स्ट ओनर हैं, तो अगर आप
थोड़ा सा भी इसके बारे में अगर जानते हैं, थोड़ा बढ़िया से नॉलेज जो है गेन कर लीजिए, और थोड़ा सा ट्रेनिंग आप अगर आप घर में दे सकते हैं, थोड़ा अगर टाइम है आपके पास, घर में आप रहते हैं, 1-2 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा इस ब्रीड में, तो बिल्कुल आप इस ब्रीड को भी ले सकते हैं। इट्स अ बेस्ट चॉइस। फिर हम लोग बात करने वाले हैं गोल्डन रिट्रीवर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मीडियम साइज़ का भी घर है या फिर लार्ज साइज़ का भी अगर घर है आपका, तो फर्स्ट डॉग ओनर के चलते आप बिल्कुल ये ले सकते हैं। ये भी पूरा लैब्राडोर डॉग की ही ब्रीडिंग है, क्योंकि सिर्फ इसमें आप देखिएगा कि कोट जो रहता है इसका लॉन्ग रहता है, सेम ब्रीड है, सेम बिल्कुल नो एग्रेसिव, बच्चे के साथ फ्रेंडली है, सारे चीज़ के साथ फ्रेंडली है ये, बिल्कुल आप इसे डॉग को ब्रीड को रख सकते हैं। लेकिन मैं इसका आपको माइनस पॉइंट अभी बता देना चाहूँगा कि अगर आप ज़्यादा मंथली में इनकम आपका नहीं है, लो कॉस्ट आपका मंथली में इनकम है, और सस्ता में ही अगर आप डॉग पालना चाह रहे हैं, तो इस ब्रीड में आप बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि इसका महीना का 3-4 हज़ार खर्चा आता है जब ये एडल्ट होने के बाद, क्योंकि जो कोट रहता है इसको कटिंग करना होता है बार-बार, मतलब बार-बार से इन लोग का भी एक ये आता, बार-बार आता है एनिमल्स का, वहाँ पर आपको कटिंग करवाना होगा, नेल्स कटिंग करवाना होगा, पूरा फुल्ली शेप में लाना होगा, तो इसमें से 2-3 हज़ार 4 हज़ार खर्चा हो जाता है। तो इनकम के मामले में इस डॉग को ब्रीड को आप ध्यान करके ले सकते हैं, और भी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल्स में और भी कहीं कहीं जगह मिल जाएगी आपको। तो हैशटैग रॉटविलर, तो चलिए इस ब्रीड के बारे में बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक जायंट ब्रीड है, जो कि फुल्ली नॉट फ्रेंडली डॉग है, ये फुल्ली एग्रेसिव डॉग है। अगर आप इसे अपने गोडाउन में या फिर कहीं आप अकेले रहते हैं तो अगर इसे पालना है तो नो डाउट बिल्कुल आप इसे पाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। जो फर्स्ट ओनर बनने जा रहे हैं डॉग्स के, मैं इसे बिल्कुल भी सजेस्ट अभी नहीं करूँगा, क्योंकि हमारे जो फैमिली मेम्बर है वो 2 डॉग ब्रीड लाए थे इसके, तो वो नए थे, उनका नॉलेज कुछ भी नहीं था डॉग को कैसे रखा जाता है, कैसे कुछ भी, मतलब उन्हें नॉलेज नहीं था, तो वो लाएँ जैसे तैसे उसको करके देते थे, खाना देते थे, वो एक कुछ भी करते थे, तो वो डॉग ब्रीड बिल्कुल हाथ से निकल गया था, मालिक को ही 2 बार काट दिया। उसके बाद क्या किया कि दूसरे लोगों को भी देना चाहते थे, तो पूरा वो एग्रेसिव से भरा हुआ था। फिर एक जो डॉग्स के जो डोनेटर आते हैं, जहाँ पर एजेंसियाँ जो होती है डॉग्स की, वहाँ उन्होंने दे दिया, या फिर ब्रीडर के पास उन्होंने दिया था, मुझे यहाँ तक अभी पता है। तो मैं अपने तरफ से मैं किसी भी डॉग ब्रीड को बदनाम नहीं करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, सिर्फ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप फर्स्ट ओनर हैं, हैशटैग अगर आप फर्स्ट ओनर हैं, तो इस वीडियो इस डॉग ब्रीड को आप नहीं लेने से ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। 5वें नंबर में हमारा आता है हैशटैग बीगल। अगर आप स्मॉल अपार्टमेंट में रहते हैं, स्मॉल घर है आपका, छोटा सा घर है, तो भी इस ब्रीड को आप बिल्कुल ले सकते हैं। ये बहुत फुल्ली एक्टिव ब्रीड रहता है, ये आपके साथ दिन भर खेलेगा, दिन भर, ये आप थक जाएंगे लेकिन ये नहीं थकेगा। तो इसके लिए भी आपको टाइम ज़रूर देना पड़ेगा, कम से कम 2-3 घंटा आपको देना ही पड़ेगा टाइम, क्योंकि इसका एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा रहता है। मैंने जो भी ब्रीड अभी बताया, मैंने पांचों ब्रीड जो अभी तक मैंने बताया, जो 5वां नंबर में ये बीगल है, तो बीगल का सबसे एक्टिव ब्रीड, सबसे एनर्जेटिक ब्रीड ये रहता है। हाँ बिल्कुल, आपको ये इकोनॉमिक के मामले में ये ज़्यादा आपको कॉस्टली फर्स्ट टाइम जब आप ओन करेंगे तभी लगेगा। अभी तो इंडियन प्राइस है इसका 20-25 हज़ार, 15 हज़ार के ऊपर ही है, एवव है 15,000 से, लेकिन एक बार सिर्फ कॉस्टली आपको लगेगा, उसके बाद इसमें ज़्यादा खर्च नहीं है। तो मैंने आपको सारा जो 5 तरह का ब्रीड है जो हमारे इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, ये मैंने 5 तरह का ब्रीड आपको बता दिया कि इसमें क्या है किसमें नहीं है। तो चूज़ आपको करना है किसी भी, मैं अभी भी बता देता हूँ कि कोई भी डॉग का लाइफ हमें स्पॉइल करने का हक नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो भी आप ब्रीड लें, मोबाइल के चक्कर में नहीं लें, ट्रेंडिंग के चक्कर में लें, आपको कौन सा सूटेबल हो, आपको कौन सा बढ़िया रहे, आपके सुविधा के कारण जो बढ़िया रहे वही डॉग ब्रीड लें, जिसे आप पाल सकते हैं, जिसे आप टाइम दे सकते हैं वही ब्रीड लें, अन्यथा ब्रीड कोई भी ना लें या फिर छोड़ दें, सिर्फ देखें किसी के घर में जाके आप थोड़ा सा खेल लें, वो ज़्यादा बढ़िया है। आपको थोड़ा सा मेरे वॉइस में अभी जो मैंने कहा उसमें आपको कुछ ख़राब लग सकता है, तो ख़राब लगने वाली बात नहीं, मैं बिल्कुल सही चीज़ बता रहा हूँ कि इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा।
तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए, इस वीडियो से आपको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली होगी तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसा ही वीडियो मैं हमेशा लाता रहूँगा और इन्फॉर्मेशन को हमेशा शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को अभी तक ख़त्म करते हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।